जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक सावन कुमार टाक का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आज शाम तकरीबन 4:15 पर निधन हो गया। सावन कुमार के भांजे और फिल्म निर्माता नवीन टाक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ है। नवीन टाक ने आगे बताया 86 इयर्स के सावन कुमार टाक लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कई दिनों से उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और उन्हें बुखार सा महसूस हो रहा था। उन्होंने बताया कि सबको लगा कि उन्हें निमोनिया हुआ है, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पता चला कि उनके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती सावन कुमार का हृदय भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बता दें कि सावन कुमार ने अपने 4 से भी लंबे करियर में संजीव कुमार से लेकर सलमान खान जैसे तमाम बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया था। एक्टर सलमान खान ने भी उनके निधन की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। सावन कुमार के जाने से पूरी इंडस्ट्री इस वक्त सदमे में है।